लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को लेकर अहम जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राम मंदिर को लेकर जब बोलना शुरू किया तो सदन में शोरगुल भी शुरू हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने राम मंदिर को लेकर कहा कि जल्दी ही अब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में अपनी बात रखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उस विषय पर बात करूंगा जो देशवासियों के साथ साथ मेरे दिल के भी बहुत करीब है, और वो है राम मंदिर निर्माण का विषय। बस इतना कहते ही लोकसभा में हलचल तेज हो गई। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। आगे बोलते हुए पीएम मोदी ने बताया कि सरकार ने राम मंदिर को लेकर ट्रस्ट तैयार कर लिया है, जल्द ही ये ट्रस्ट मंदिर निर्माण पर फैसले लेगा। ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है। इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में श्री राम धाम के जीर्णोद्धार के लिए, भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए एक स्वर में अपना समर्थन दें। इतना ही नहीं, संसद को प्रधानमंत्री ने बताया कि अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि आवंटित करें, जिसको लेकर मोदी सरकार ने राज्य की योगी सरकार से आग्रह किया और राज्य सरकार ने जमीन देने पर हामी भर दी है। फिलहाल राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का ऐलान कर दिया गया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिलने वाली जमीन को भी मंजूरी मिल गई है। अब इंतजार है ट्रस्ट के सदस्यों के नामों के ऐलान का। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।